हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विकास का रास्ता बुनियादी सुविधाओं से आगे बढ़ता है। सांसद दिया कुमारी, 1192 करोड़ की 3 सड़क परियोजनाओं का केंद्रीय मंत्री गडकरी करेंगे शिलान्यास। आज दोपहर 12:05 पर गोमती, थावला, पादुकला और रेनू में एक साथ आयोजित होंगे कार्यक्रम। पीएम मोदी एवं केंद्र मंत्री गडकरी का सांसद दिया कुमारी ने जताया आभार। वर्षों से बहुप्रतीक्षित गोमती ब्यावर फोर लेन परियोजना के साथ ब्यावर से आसन और अजमेर मेटना नागौर सड़क अपग्रेडेशन कार्य के होने वाले शिलान्यास की खबर से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सांसद दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 1192 करोड़ के होने वाले तीनों कार्य जनता को समर्पित है। ये तीनों कार्य सिर्फ सड़क मार्ग नहीं, सड़कों का जल है। उन्होंने कहा कि विकास का रास्ता बुनियादी सुविधाओं से आगे बढ़ता है। मजबूत और दुरुस्त बुनियाद विकास का प्रथम सोपान है। सांसद दिया कुमारी ने कहा, इन सड़क मार्गों से जहां व्यापार और आवागमन में सुविधा बढ़ेगी, वहीं दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा। लोकसभा चुनाव में ब्यावर गोमती फोर लेन की अधूरी पड़ी परियोजना को शुरू कराने का जनता से वादा किया था, जो पूर्ण होने जा रहा है। इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार का जितना धन्यवाद व्यक्त किया जाए वो कम है। संसदीय क्षेत्र मीडिया संयोजक मधु प्रकाश लड्डा ने बताया कि 719 करोड़ की लागत राशि से गोमती से ब्यावर फोर लेन सड़क कार्य, ब्यावर से आसिन सड़क अपग्रेडेशन कार्य लागत राशि 217 करोड़ और अजमेर नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग वाया थावला पादुकला मेड़ता रेनू बुटाटी अपग्रेडेशन कार्य जिसकी लागत राशि 256 करोड़ है। कुल 1192 करोड़ रुपए की इन तीनों परियोजनाओं का शिलान्यास केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वर्चुअल माध्यम से करेंगे। कार्यक्रम 24 दिसंबर गुरुवार को दोपहर 12:05 पर गोमती, थावला, पादुकला और रेनू में एक साथ आयोजित होंगे। जागरूक टीवी के लिए राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।